और इसके जो दाल के मेन जो होता है बिगड़ से फेंटना होता है। अब इसे किसी भी अपने चम्मच से अपने हाथ की हेल्प से और इस तरीके से किया, आपको एक बर्तन में पानी भरकर रखना है गर्म और उसरेंगे और आप चाहें और हमारे पास थोड़ा सा अनार रखा हुआ था, अनार हम इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ही मज़ेदार लगता है, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब जो हम दही बल्ले बना रहे हैं उड़द की दाल के बना रहे हैं, आप चाहे तो मूंग की दाल के भी बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है उड़द की दाल की है। उड़द की दाल को हमने 3 घंटे भिगो दिया था, आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और फिर इसे ग्राइंडर जार में डालकर हम इसे पेस्ट बना लेंगे। पानी हमने नहीं डाला है, पर जो भीगा हुआ पानी था बस उसी में हमने इसको पीस लिया है। और ये आधा किलो दाल है, इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून बेसन मिलाएंगे भी, बस इससे जो इसका पेस्ट है काफ़ी स्मूथ हो जाता है, उसका टेस्ट जो होता है काफ़ी उभर कर आता है इसका दाल का, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा इसे। और इसके जो दाल के मेन जो होता है बिगड़ से फेंटना होता है। आप इसे किसी भी अपने चम्मच से अपने हाथ की हेल्प से और इस तरीके से आप इसे फेंट सकते हैं। थोड़ी टाइट होती है दाल क्योंकि हमने से पानी बिल्कुल कम मिला है और इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया और इसे काफ़ी अच्छे से फेंटना है कि इसमें हवा भर जाए। इसकी दाल फेंटने का ही सारे राज है, अगर दाल अच्छी फेंटी होगी तो आपका दही बल्ले बहुत ही अच्छे फूले फूले बनेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमने 1 ग्रीन चिली को काट कर बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और अच्छे से फेंट लिया है। सॉल्ट इसमें डाला है हमने और बेकिंग सोडा डाला है। ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। जो हमारा दही है इसको भी अच्छे से फेंट लेते हैं। दही में हमने से चीनी डाली थी, मीठा दही होता है दही बल्ले का, हल्का सा मीठा रहेगा और हल्का सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, हम ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं, बिकॉज नमक सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। पानी नहीं मिलाएंगे हम दही में भी, अगर चाहें तो 2-3 बस बूंद आप मिला सकते हैं वरना पतला दही नहीं करना। आप देखिए हमने गर्म ऑयल में इसको हमने 1 स्पून के अराउंड इस तरह गोल गोल हमें अपने भल्ले बना लेने हैं। और देखिए दाल आप देख सकते हैं कि हमारी दाल पतली नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे दही बल्ले हमारे, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से फेंटा था और इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है। और इसको इतना हमें फ्राई करना है कि बस ये हल्के से गोल्डन हो जाए, तो इसे हम निकाल लेंगे। और जब हम इसे ऑयल में निकालेंगे तो एक बार याद रखिएगा आपको एक बर्तन में पानी भरकर रखना है गर्म और उसमें हमने हींग डाली है और सॉल्ट। यहाँ पर एक बात के लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे, बिकॉज हमारा कैमरे का बटन क्लिक नहीं हुआ था और हमने आपको इस तरह दही में इस भल्ले डालते हुए नहीं दिखा पाए। आप देख लीजिए इसमें हम ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं, काला नमक थोड़ा सा और इसे हम डिश आउट कर रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं बिकॉज आपके गेस्ट अगर ईद पर आपके गेस्ट आए आप इसको देखिए सर्व कर सकते हैं। सर ग्रीन चटनी आपके पास बनाकर स्टोर कर लीजिए। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो हमने ग्रीन चटनी और इमली की जो मीठी सौंठ होती है उसकी भी चटनी दी है। बस इसे घर में बना के फ्रिज में रखिए और कभी भी आपके गेस्ट आए तो आप इस तरह दही बल्ले बना के सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार है। बिकॉज दही बल्ले हमें कभी मीठे पसंद नहीं है, हम इसको हमेशा ग्रीन चटनी और चाट मसाले के साथ खाते हैं। इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह हरे धनिया से गार्निश करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा अनार रखा हुआ था, अनार हम इसके ऊपर डाल देंगे, बहुत ही मजेदार लगता है। तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर हिट करें और मेरे चैनल स्वादिल्लीका को और देख भाई देख को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।